नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। तो सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों, नए साल की हमने एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। उसमें हम हर शनिवार और रविवार आपके लिए लर्निंग वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो वहां पे बहुत सारी हम जानकारी आपको शेयर करेंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू प्लान योर इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो आपको प्लान किस तरह से करना चाहिए, कौन से रूल फॉलो करना चाहिए कि उस हिसाब से आपकी हर चीज आपके फेवर में रहे। तो सबसे पहले बता देते हैं दोस्तों कि हमेशा आपको जो स्टॉक ट्रेड करना है वो मोर देन 300 रुपीज के ऊपर होना चाहिए। उसके कुछ अलग बेनिफिट्स है जो आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहला आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो कि आपको जो स्टॉक ट्रेड करना है वो मोर देन 300 रुपीज से लेके 2,000 या 3,000 तक हो सकता है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि उसकी जो वोलेटिलिटी रहती है वो 2% की रहती है, मैक्सिमम 5% 10% भी हो सकती है, मिनिमम 2% रहती है। तो ये देख सकते हो TCS का स्टॉक है जिसका मैंने 5 मिनट का चार्ट आपके लिए ओपन किया है। देख सकते हो यहाँ पे उसका मोमेंटम देख सकते हो एक दिन का 2.29% है और इसका ओपन प्राइस देख सकते हो 2880 है, लो 2879 है और हाई लगाया इसने दोस्तों 2940 का। मतलब अगर कंपेयर करें लो से हाई तक का तो वो हो जाते हैं 60 पॉइंट्स दोस्तों। तो 60 पॉइंट्स का मतलब क्या है, अगर इसमें आप 5 या 10 भी पॉइंट कवर कर लेते हो तो आपका ट्रेडिंग सेशन अच्छा हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि मिनिमम 300 से लेके मैक्सिमम 2000 या 3000 तक आप प्लान कर सकते हो। ये हो गया पहला रूल। तो दूसरा बेनिफिट मैंने बताया कि उसमें वोलेटिलिटी रहती है जिसका आपको फायदा हो सकता है। और तीसरी बात ये हो गई, इसमें आप दिन में आपको एक या दो ट्रिगर मिल सकते हैं बाय और सेल के साइड पे। देख सकते हो ये TCS का स्टॉक का मैंने चार्ट लगाया हूं, इसमें आपको यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट मिल सकता था और यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट मिल सकता था। तो एक स्टॉक में आपको मिनिमम 2 एंट्री और मैक्सिमम 3 भी मिल सकती है। तो ये बेनिफिट हो गए दोस्तों। उसी के हिसाब से मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए। वो क्या होता है वो भी थोड़ी सी समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो रिस्क रहेगा पर डे के हिसाब से वो आपके कैपिटल के ऊपर 2% रहेगा दोस्तों। अगर मान लेते हैं कि आपके पास 1,00,000 रुपीज का कैपिटल है तो 2% के हिसाब से आपका दिन का रिस्क कितना हो गया दोस्तों, मिनिमम 2000 से लेके मैक्सिमम 5000। इसका मतलब 2% से 5% का होना चाहिए और आपका विनिंग रेशियो हमेशा मोर देन 50% होना चाहिए। मतलब महीने के 20 ट्रेडिंग सेशन रहे तो मिनिमम आपको 10 टाइम्स विन होना चाहिए और 10 टाइम लॉस होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपका विनिंग रेशियो लेस देन 50% है तो आप प्रेफर कीजिए 10-20 क्वांटिटी में पहले प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ये ट्रेडिंग है दोस्तों, ये कोई अलग चीज नहीं कि आप एक दिन में यहाँ पे करोड़पति बन सकते हो। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है दोस्तों और प्रैक्टिस हर रोज ट्रेडिंग करने से ही आपको मिलेगा दोस्तों। तो हर रोज ट्रेडिंग करने के ऊपर आप फोकस कीजिए, आपका मनी मैनेजमेंट बना दीजिए और इसके लिए हम बहुत सारी वीडियोस अभी अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। तो पहले बताया कि मैंने स्टॉक कौन सा सिलेक्ट करना है, वोलेटिलिटी का मोमेंटम का आपको फायदा कौन सा होता है और ये सारी चीजें आप कैसे कैप्चर कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि कुछ कैंडलस्टिक के ऊपर रह गया, कुछ स्टॉप लॉस कैसे प्लान करना है, टारगेट कैसे मैक्सिमम लेना है। और एक चीज मैंने बताई थी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये क्या होता है ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि अब अगर आपने किसी ट्रेड में 100 रुपए की रिस्क ली है दोस्तों, तो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए 100 रुपए। इसको बोला जाता है 1:1। मतलब आप 100 रुपीज का रिस्क ले रहे हो और उसके ऊपर आपका टारगेट भी 100 रुपीज का बन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कि आपने 100 रुपीज का रिस्क लिया और 40 या 50 रुपीज का टारगेट लेके आप एग्जिट हो गए। ये आपको एक आदत हो जाती है दोस्तों, हमेशा आप वही ट्राई करते हो लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, कभी कभार आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि 100 रुपीज का रिस्क ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट टारगेट भी 100 रुपीज का ही होना चाहिए। इसको बोला जाता है 1:1। अगर आप ज्यादा कोशिश करोगे तो 1:5, 1:4 भी कैलकुलेट कर सकते हो या आपको मिल सकता है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम बताएंगे आपको कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पैटर्न्स बनते हैं, दिन के टाइम कौन सा ट्रेडिंग जो सेशन रहता है 9:15 से लेकर 3:30 तक, उसमें कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम है जब आप ट्रेड कर सकते हो और आपका टारगेट आसानी से अचीव हो सकता है। ये सारी चीजें जानने के लिए नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया है, वहां पे जाके आप सब्सक्राइब के बटन के हिट कीजिए, उसके बाद आपको एक बेल आइकॉन मिल जाएगा उसको भी क्लिक कीजिए।
इसका आपको एक फायदा ऐसा मिलेगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां पे जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डेली बेसिस पे बहुत सारे हम कॉल प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपको कोई भी समस्या या क्वेश्चन है तो हमें आप इंस्टा पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वहां पे हम आपको पूरी तरह से रिप्लाई देने की कोशिश करें दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।